हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको इसका सेट करा रहे हैं वॉल्यूम वाले का। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन हम आज करा रहे हैं, ये किसी न किसी वर्ष में आए हुए हैं, नवोदय विद्यालय में किसी न किसी वर्ष में आए हैं, और हमने यहाँ पे इन्हें शो कर दिया है। ये कुछ किस वर्ष में आए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा 2017 और 2009 में आया था, ठीक है जी। एक बॉक्स की प्रत्येक ओर 3 मीटर है, तो इसका आयतन बताओ। तो स्टूडेंट, हमने आपको समझाया था कि अगर एक ही साइड दे रखी तो वो क्या है, वो घन है, ठीक है। और उसकी जो घन का आयतन होता है, तो भुजा की मल्टीप्लाई 3, या फिर आप कबर्ड वाला भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई, वो भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो वर्ग का आयतन, घन का आयतन कितना है हमारा, भुजा की 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि हमारी जो कोर है, भुजा है, बीमा है, वो हमारी 3 दी गई है। तो इन तीनों की 3 की मल्टीप्लाई 3 में करिए 9 आ गया, और इस 9 की मल्टीप्लाई 3 में करिए, 9 3 27, तो 27 मीटर घन आ गया आंसर। तो कौन सा है जी, बी वाला आंसर सही है। एक होल की बीमा 20 और 12 मीटर है, और 4 मीटर की वर्गाकार टाइल उसमें लगाए, तो कितनी टाइल लगेगी, ठीक है। तो अगर हमें टाइल की संख्या निकालनी, तो होल का क्षेत्रफल निकाल लो और टाइल का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी कि होल के क्षेत्रफल को टायर के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो। हाँ जी, होल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 मल्टीप्लाई 12, और टायर का कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4, यही तो फॉर्मूला है ना क्षेत्रफल का भाई, साइड मल्टीप्लाई साइड या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ, एक ही बात है, कुछ भी कह लो आप। हमने इस 4 से इसे डिवाइड कर दिया, 3 आ गया, इस 4 से 20 को डिवाइड कर दिया, 5 आ गया, 5 3 15, तो 15 टाइल आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक आयत है, उसमें ए बी की लंबाई बतानी। देखो, ये ए बी सी डी एक आयत होगा आपका, इनके रेक्टेंगल होगा, तो इसका जो विकर्ण है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा, तो हमें ए बी की लंबाई देखनी है ना। तो आयत में आप जानते हैं, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर हो, या 6 है तो यह भी 6 होगी, है जितनी आओगी इतनी ही आओगी। तो हमें यह तो दे रखा है, इसका विकर्ण दे रखा है, एक भुजा दे रखी, तो यह भी हमारी इतनी होगी। देखो, आयत में ए ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी ए बी सी के इक्वल है, 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है जी। तो हमें हमें क्या निकालना, ये हमारा एक ट्राइंगल होगा, ये ट्रायंगल होगा, तो हमें ये निकालनी, इस ट्रायंगल में हमें ये भी पता और ये भी पता, यानी कि ये पता और ये पता, तो हमें ये निकालनी है भी। तो इसमें हम पाइथागोरस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमें आधार निकालना या लंब निकालना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो भी हमारा ये हमारा कर्ण होता है, इसका बीच का, यानी कि विकर्ण था ये, तो इसकी इसे कहेंगे हम AC² इज इक्वल टू AB² + BC²। तो अब हम इनके यहाँ मान भर देंगे, AC कितनी थी हमारी 10, BC कितनी, AB कितनी हमें निकालनी है, और BC कितनी हमारी 6 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट, हमने AB को इधर ले लिया और ये AC इधर चला गया, तो हमने इसे खोल लिया, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100 होगा, और 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36 होगा, 100 में से 36 माइनस कर दिया, 64 आ गया, तो AB² का आंसर आया है 64। अब हमें स्क्वायर भी हटाना है इसका 64 से, तो हमने यहाँ इसका वो ले लिया एलसीएम है, एलसीएम टाइप ले लिया, और फिर इसके टू टू के जोड़े बना लिए, तो 1 2 3 तीन जोड़े बन गए, प्रत्येक जोड़े में से एक ले लिया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 आंसर आ गया। तो जो ए बी की लंबाई है, या 8 हो जाएगी, ये होगा जी 8 वाला। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
क्वेश्चन नंबर फोर क्या है जी, यदि किसी वर्ग की भुजा को दो गुना कर दें तो इसका परिमाप होगा, तो आपको परिमाप बताना, अगर वो किसी वर्ग की भुजा को दो गुना कर दे तो उसका परिमाप कितने गुना हो जाएगा ये बताना। तो देख लो, माना हमने वर्ग की भुजा ए है और परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा, यानी कि जो भी साइड हो जाए उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4a होगा। अब भुजा को दुगुना करने पर, भुजा हमारी ये थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2a होगी। अब इसका परिमाप निकालना तो 4 × 2a, तो 4 × 2 = 8, 8a हो गया। तो देखो पुराना परिमाप हमारा क्या था, 4 था, और नया परिमाप हमारा क्या आगा दुगुना करने पर, 8 आगा। तो अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, 4 × 2 = 8, तो क्या होगा, दुगुना हो गया। तो अगर किसी वर्ग की भुजाओं को दुगुना करते हैं तो उसका परिमाप भी दुगुना हो जाएगा, तो ए वाला आंसर इसका सही है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।